जीवन का गणित एकदम सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ ये सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर बन जाएगी। किसी ने एक फकीर से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, खुशियां तो सबके झोली में है, बस एक की खुशी दूसरे का गम बन जाती है। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह है, इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमी नजर नहीं आती। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया ना करो। बुरा वक्त तो साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। आंसू भी कमाल की चीज होती हैं। देखने में तो ये शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन न जाने कितने खोट, कितना मैल और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कही बातें तो याद रखते हैं, लेकिन प्यार, सुख और सुकून में की गई बातें फौरन भुला देते हैं। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधों पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। न तो किसी से आदर्श होने की अपेक्षा करो, और न ये सोचो कि तुम आदर्श हो। तुम दुनिया में सीखने आए हो, सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। बस दूसरों की गलतियां आपकी गलतियों से अलग होती है, यही सोचकर किसी की निंदा, चुगली या उपेक्षा मत करना। इससे आपका मन भी मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान, ईमान तो मौत के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हों तो उन्हें मुस्कुरा कर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो ये दुनिया कांटे ही कांटे हो जाएगी। आपको कांटे चाहिए या फूल,
ये आपके हाथ में है। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ऐसी ही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।